प्रकृति में विभिन्न कीटों को अपना आहार बनाने वाले जीव मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों प्रकार के फफूंद, विषाणु एवं जीवाणु कीटों को रोग ग्रसित कर उन्हें नष्ट करते हैं। इनमें से कुछ जीवों को जैविक कीटशालाओं में बहुगुणित कर फसलों पर छोड़ा जा सकता है। इस क्रिया को जैविक प्रक्रिया द्वारा रोग नियंत्रण किया जाना कहा जाता है। इनमें जो प्रक्रियाएं शामिल हैं, उनमें HANPV यानी कि हेलिकोबर्पा आर्मेजेरा, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का छिड़काव, नीम आधारित कीटनाशक, जाल फसल उगाना, ट्राइकोकार्ड लगाना एवं ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल शामिल है। आइए इस वीडियो में हम आपको HANPV यानी कि हेलिकोबर्पा आर्मेजेरा, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का छिड़काव के बारे में जानकारी देते हैं। किसान मित्रों, हरी सुंडी लट के नियंत्रण हेतु 100 LE यानी कि एक पैकेट NPV का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में पत्तियों पर छिड़काव करें। NPV में लटों को बीमार करने वाला वायरस है। लटें इनसे संक्रमित होकर 3-4 दिनों में मर जाती हैं। वह उल्टी लटकती हुई दिखाई देती हैं। मरी हुई लटों को चुनकर पीसकर पानी में घोल बनाकर पुनः छिड़काव किया जा सकता है। किसान मित्रों, HANPV के अलावा कुछ और जैविक प्रक्रियाएं भी हैं, जिनकी जानकारी हम आपको आने वाले कुछ और वीडियोस में जरूर देंगे।